मथुरा की नगरी काशी की परंपराएं भी अजब और अनोखी हैं। रंगभरी एकादशी पर भूत भवन बाबा भोलेनाथ के कोने के दूसरे दिन काशी में उनके गणों के द्वारा चिता भस्म की होली की मान्यता है। शुक्रवार को रंग बिरंगी एकादशी के मौके पर माँ गौरी को विदा करके कैलाश ले जाने के साथ ही भगवान भोलेनाथ काशी में अपने भक्तों को होली खेलने और हुड़दंग की अनुमति प्रदान करते हैं। इसके बाद ही काशी की होली खेली जाती है। इस बार शुक्रवार को महाशमशान पर चिता भस्म की होली दोपहर में खेली जाएगी। देखिए, शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो बहुत पुरानी परंपरा है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ जी को दुनिया जानता है कि जिस प्रकार से बाबा भूत प्रेतों के साथ और मशाल में वास करते हैं, उस दृष्टि से बहुत प्राचीन परंपरा। लेकिन यहाँ के हमारे मान जी है, इन्होंने 20 साल पहले इस परंपरा की नींव रखी, जो बड़े ढंग से इस परंपरा को चला रहे हैं। और मुझे लगता है क्योंकि यह मशान है और मुझे लगता है कि यहाँ मृत्यु होती है, उस दृष्टि से महोत्सव, अगर कोई मृत्यु का महोत्सव अगर मनाया जाता है तो काशी में मनाया जाता है। मगर उससे पहले सुबह से ही बाबा मशाननाथ की विधि विधान से पूजा का दौर शुरू होगा और चारों दिशाएं हर हर महादेव से गूंज उठेंगी। परंपराओं के अनुसार रंगभरी एकादशी के ठीक अगले दिन भगवान शिव के स्वरूप बाबा मशाननाथ की पूजा कर शमशान घाट पर चिता भस्म से होली खेली जाती है। फिर उनके गण होली खेलते हैं। काशी मोक्ष की नगरी है और मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं तारक मंत्र देते हैं, लिहाजा यहाँ पर मृत्यु भी उत्सव जैसी है और होली पर चिता की भस्म को उनके गण अबीर और गुलाल की भांति एक दूसरे पर पैक करके सुख समृद्धि वैभव संग शिव की कृपा पाने का उपक्रम करते हैं। काशी से जुनैद खान की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए सिटीजन वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।